अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, बहरिया टाउन मेन कमर्शियल हब सेक्टर सी में क्या आप में से कभी किसी ने सोचा था कि वहां पे कमर्शियल प्लॉट आपको सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ में मिलेगा? इसकी डिटेल देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, शुएब खान टीम लेजेंड ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इस वीडियो का प्रॉपर आगाज करते हैं। ये जो इकॉनमी में स्लंप एंड बूम्स आते हैं और ये जो उतार चढ़ाव जो आता है, ये कुछ लोगों को बहुत ऊपर लेके जाता है, कुछ लोगों को लेवल पर ले आता है। इसी तरह से मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी ने ये सोचा होगा कभी किसी वक्त में कि जहां पर सेक्टर सी में जहां पर कमर्शियल प्लॉट 13 करोड़ 14 करोड़ का 5 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है वो इतने में मिलता है, वहां पर आपको कमर्शियल प्लॉट 4.5 करोड़ में मिलेगा। जैसे कि आपको मेरी वीडियो में नजर भी आ रहा होगा, लोकेशन आपको व्यू भी हो रही होगी, प्रॉपर कमर्शियल हब है। ये नहीं कि कमर्शियल से हटके है, कमर्शियल के अंदर ही है, जहां पर प्रॉपरली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जहां पर प्रॉपरली प्लाजास बने हुए हैं और जहां पर प्रॉपरली लोगों का बिजनेस आबाद है, उस एरिया में है। बाज का लोगों के ज़हन में आता है सस्ती चीज मिल रही है तो शायद ऐसी जगह होगी कि जहां पर लोकेशन ऑड होगी या लोकेशन अच्छी नहीं होगी। अच्छी लोकेशन है, पार्क को वो फेस कर रहा है और 5 मरले का कमर्शियल है और यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन जो अलाउ की जाती है वो बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की जाती है, यानी टोटल 7 फ्लोर कंस्ट्रक्शन अलाउड है यहां पर। तो इससे एक बड़ा अच्छा, कल को अगर आप लेके अपना प्लाजा बनाते हैं और उसको रेंट आउट करते हैं, एक अच्छा रेंटल इनकम आता है आपको। अगर आप इसको सेल करते हैं तो एक अच्छा बेनिफिट गेट करते हैं आप। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे जो इस टाइम प्रॉपर्टी सरकमफ्रेंस चल रहा है उसमें एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और खास तौर पे उस एरिया में जिसको बहरिया टाउन का प्रॉपर कमर्शियल हब कहा जाता है, वहां पर आप ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। इसमें मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पर राबता करें। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।